हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड्स मैथ्स ऑनलाइन लाइव क्लासेज में मैम नौजांगे विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया की तरफ से आप सभी बच्चों का चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज नंबर 7.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है, 7.2 कर रहे हैं आज। 7.2 में मैंने जैसे कि पहले बताया था, लिखवाया भी था कि आपको पूरक कोणों की अवधारणा यूज करनी है। पूरक कोण में जैसे साइन का पूरक कोण आपका कोस होता है, कोस का पूरक साइन, टेन का पूरक कोट और कोट का पूरक टेन, सेक का पूरक कोसेक और कोसेक का पूरक सेक। पूरक का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका टोटल योग 90 डिग्री होता है। जैसे 41 डिग्री का पूरक निकालेंगे तो 90 में से 41 को माइनस कर दो, 49 डिग्री 41 डिग्री का पूरक कोण है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो 7.2 के जितने भी सवाल है आपको पूरक कोणों की अवधारणा का यूज करके करना है। ऐसा क्यों करना है, इनमें भी तो मान ही याद करना है, क्यों 6.1 अपने अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। तो उसका सीधा रूल ये है कि वहां पर जो भी कोण दिया होता है त्रिकोणमितीय फलन के आगे न्यूनतम कोण, वो 0, 30, 45, 60 या 90 ये करके दिया होता है, जिसका मान डायरेक्टली अपने वो जो मान है टेबल से उन मानों में से रख के निकाल सकते हैं। जो भी मान याद करना रहेगा उसका मान, लेकिन यहाँ पर अपने टेबल से डायरेक्ट मान नहीं रख सकते, क्योंकि 10-49 डिग्री अपना 0-30-45-60-90 वो जो आधारभूत कोण है उनमें से कोई एक मान नहीं है। ऐसे 41 डिग्री का भी मान उनमें से नहीं है। तो जब आधारभूत कोण नहीं होगा तो पूरक कोण की अवधारणा, और जब कोण आधारभूत होगा तो टेबल से मान रखना है। इतना सा बस बेसिक रूल है, आपको याद रखना है। एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि 7.2 के कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनमें आपको यहाँ पर जो मान है वो इनके साथ में, यानी जो आधारभूत कोण है वो नहीं होने के साथ में एक आधे सवाल में ऐसा भी होगा जिनमें आपके आधारभूत कोण भी दिया हुआ होगा। तो आपको जब भी आधारभूत कोण मिलेगा तो उसका तो मान टेबल से रखना है, जो कोण आधारभूत नहीं है उसको पूरे कोण की अवधारणा से बदलना है। और वैसे ही जैसे अपने 7.1 में किया था, जो चीज काम में आ रही थी उसको साइड में लिखा था, ऐसे ही यहाँ पर 7.2 में भी जो पूरे कोण की अवधारणा यहाँ पर लागू होगी उसको साइड में लिखेंगे। अगर कोई सर्वसमिका से मान बनेगा तो उसको लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई बीजगणित सूत्र लगेगा तो उसको साइड में लिखेंगे, ये सारी चीजें लिखेंगे। अगली चीज है कि अगर आपके यहाँ पर अंश बटा हर के रूप में पूरक कोण की अवधारणा लगानी है तो अंश बटा हर में यहाँ पर कितने फलन होंगे, एक ऊपर एक नीचे या दो फलन होंगे, या फिर आपके एक फलन पहले उसके बाद में जोड़ या बाकी का चिन्ह अगला फलन दूसरा। तो उस कंडीशन में ध्यान ये रखिए आप कि जब भी फलन अपने एस बटा हर में होगा तो दोनों में से किसी एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से सुनिए पहले। दोनों में से किसी एक को बदलना है, ऐसे जोड़ बाकी में होगा दो फलन तो उनमें से भी किसी एक को बदलना है। लेकिन अगर दो फलन गुणा में फिर जोड़ या बाकी का चिन्ह फिर आगे दो फलन इस टाइप से होंगे तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो दो फलन होंगे इनके जो आधार यानी जो अपने न्यूनतम कोण रहेगा उनका टोटल योग अगर 90 बन रहा है तो इन दोनों में से एक को बदलना है। आगे भी इनका योग अगर 90 बन रहा है तो इन दोनों में से एक को बदलना है, फिर आपको वहां से एक मान जो ज्ञात करना है वो मिल जाएगा आगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद ऐसे ही बहुत सारे फलन जैसे 3, 4, 5 तक के फलन एक साथ मल्टीप्लाई में यानी गुणा में दिए जाएंगे, तो उनमें से एक या दो फलन आपके 6 फलन दिए तो एक या दो फलन आपके ऐसे होंगे जिनका टेबल से मान रख सकते हैं, और बाकी जो फलन सम संख्या में बचेंगे जैसे 6 में से 2 दे दिए जिनका मान टेबल से रखा जा रहा है तो 4 फलन ऐसे होंगे जिनको पूरक कोण की अवधारणा से आगे हल करना होगा। तो उन 4 में से आपको जो एक साथ गुणा में होंगे उनमें से उन दो फलनों को नजदीक लिखना है पहले तो, जिनका न्यून कोणों का योग 90 बनेगा, फिर उन दोनों में से किसी एक को बदलना है, और ऐसे ही अगले जो दो फलन होंगे वो अपने आप नजदीक हो जाएंगे और उनमें से किसी एक को बदलना है, और फिर अपने आपके जो यहाँ पर आपके त्रिकोणमितीय सर्वसमिका या त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे 10 = 1/cot वो लागू करने के बाद में आगे आपके मान ज्ञात होता है। ये बेसिक चीज है जो 7.2 में आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर करना कैसे, सवाल में जब परीक्षा में आएगा तो यहाँ पर आपको दो है इनमें से एक को बदलना, चाहे आप ऊपर वाले को बदलो चाहे नीचे वाले को बदलो, इसमें कोई घटने वाली चीज नहीं है। तो मैं यहाँ पर ऊपर वाले को बदल रहा हूँ, ऊपर वाले में मेरे को पहले कोण को लिखना है 49 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। 49 डिग्री को मेरे को लिखना है पूरक, तो 49 डिग्री है वो कैसे बना सकता हूँ मैं 90 डिग्री में से घटा के, 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 49 बचेगा, तो आप कहोगे 41 डिग्री। तो कहने का मतलब है 49 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री - 41 डिग्री। अब मेरे को अब जिसको बदलना है उसको यहाँ पर लगाना है दोनों साइड में, जैसे कोट को बदल रहा हूँ तो दोनों साइड कोट लगाऊंगा, टेन को अगर बदल रहा हूँ तो दोनों साइड में मैं टेन लूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 10 लेने पर, दोनों पक्षों में 10 लेने का मतलब है दोनों साइड में 10 लगाना आपको, तो दोनों साइड में अगर आप 10 यूज करोगे तो इधर 10 डिग्री और इधर बनेगा 10, यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर, तो 10 डिग्री बराबर 10, इधर ब्रैकेट लगाना जरूरी है 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। 10 90 डिग्री माइनस 41 में अब आपको प्रतिलोम फलन की सॉरी पूरे कोण की अवधारणा लगानी, तो 10 90 माइनस थीटा, 90 के आगे जो भी रहेगा न्यून कोण उसको थीटा माने दिमाग में, तो 10 90 माइनस थीटा क्या लिखा है और पूरे कोण में कि 10 कोट में बदलता है, कोट होता है तो कोट 90 माइनस थीटा किस में बदलता है, 10 में, ये ध्यान रखें इसे। तो यहाँ लिखेंगे आप 10 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा है, और थीटा की जगह कितना डिग्री आपके 41 डिग्री, तो आप लिख सकते हो कि 10 49 डिग्री अपना किसके बराबर, सॉरी 10 49 डिग्री किसके बराबर हो गया, 10 49 डिग्री किसके बराबर हो गया, कोण 41 डिग्री। अब साइड में आपको यहाँ पर जो काम में आई चीज है उसको लिखना है, तो यहाँ काम में जो आने वाली चीज है वो है आपके 10 को बदला, आपने जिसको बदला वो समझे यहाँ पर, आपने किसको बदला 10 49 डिग्री का, आप अगर यहाँ कोण 41 करते तो इसका मतलब आप किसको बदल रहे हो कोण को, तो यहाँ लिखोगे आप यहाँ 10 जो भी बदल रहे हो आप कोण 49 हो चाहे कोई और अन्य हो उसको थीटा मानिए आप, तो 10 थीटा बराबर इधर क्या बनेगा, जब भी इधर 10 थीटा लिखोगे तो इधर कोण लिखोगे, इधर 10 ही लिखोगे, ये ध्यान रखें, और 90 डिग्री माइनस वही करोगे जो यहाँ थीटा है या फाई है उसी को, तो आप यहाँ जो पूरे कोण के उदाहरण काम में आई है वो 10 थीटा बराबर कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये जो मान है बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा सबको, ये मान अब मैं उठा के कहाँ रखूंगा सवाल में, तो आप लिखोगे अतः 10 49 डिग्री बट्टा कोट 41 डिग्री बराबर, इसमें अब मान रखेंगे तो 10 49 की जगह कितना रख सकते हो आप कोट 41, कोट 41 में जब कोट 41 खुद का ही भाग लगेगा तो आप समझे इस चीज को कि मान 1 आएगा, आप 41 41 डिग्री को या कोट कोट को नहीं काटोगे, आप पूरी पूरी वैल्यू को काट रहे हो, क्योंकि कोट 41 डिग्री का मतलब है कोट 41 डिग्री का मान, नीचे भी कोट 41 डिग्री है इसका मतलब इसका मान, तो मान से मान कट रहा है ना कि ये कोट 41 कोट 41 कट रहा है, ये ध्यान रखिए इनका मान कट है, क्योंकि सेम मान से कटेगा तो एक ही का रिजल्ट है, ये आपके यहाँ पर सवाल एंड हो चुका है कि 10 49 डिग्री बटा कोट 41 डिग्री का मान कितना है आपके आगे 1 आ गया, ये यहाँ पर इतना ही जो पूरा कोण की उदाहरण यूज हुई है वो मैंने साइड में लिख दी है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं, आप पहले से मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझो सुनो उसके बाद में क्वेश्चन पे जाओ, ये नहीं कि आप देख लो बस और उसको उतारने लग जाओ, देखने से उतारने से कुछ नहीं होने वाला, समझने के बाद में अगर उतारोगे तो उससे आपके बहुत चीजें आसान हो जाएगी, आप उदाहरणों को समझ लो आप प्रश्नावली में कहीं नहीं रखोगे। उदाहरण अगला ले रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, यहां पर भी आपको मान ज्ञात करने का एक सवाल पूछा है, तो देखिए प्यारे बच्चों मान ज्ञात करना है, अपने मान ज्ञात करने का सवाल दे रहे हैं, तो यहां मान ज्ञात करना है तो आपको कैसे करना है ये समझिए, अभी बताया था कि जब भी आपका कोण 0 30 45 60 90 वैसी कोण नहीं होगा तो आप टेबल से मान नहीं रख सकते, बेसिक कोण होने पर टेबल से मान रखा जाता है, तो यहाँ पर जो मान रखेंगे अपने वो पूरे कोण की अवधारणा से बदल के रखेंगे, यानी 2 है तो 1 को बदलना है, 4 है तो कोई 2 को बदलना है, यानी आधे फलनों को बदलना है, सबको नहीं बदलना है, ये मैं पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ आपके लिए। अब देखिए यहाँ एक फलन यहाँ एक फलन, मतलब फलन हुए 2, तो 2 के आधे कितने होते हैं 1, यानी इनमें से किसी एक को बदलना है, 2 को बदलोगे तो उत्तर कभी आएगा ही नहीं आपके, तो यहाँ 2 में से किसी एक को बदलना है वो आप किसी एक को बदल सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि मैं 50 को बदल रहा हूँ आप 50 को बदलो, मैं 40 को बदल रहा हूँ आप 40 को बदलो, किसी भी एक को बदल सकता हूँ, ये यहाँ पर पॉइंट है। तो यहाँ मैं 50 या 40 में से मान लो मेरी इच्छा हुई 40 डिग्री को बदलने की, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर कि यहाँ 40 डिग्री को मैं पूरा कोण से यहाँ पर उदाहरण लगा रहा हूँ, तो 40 डिग्री लिखते ही तुरंत मेरे को 90 डिग्री लिखना, कारण ये कि पूरा कोणों का योग ही 90 होता है, तो अपने 90 में से तो घटाएंगे, तो 90 में से कितना घटा दो कि 40 बचेगा, तो आप कहोगे 90 में से 50 घटाने पर ही 40 बचता है। अब बात आती है कि अब 40 डिग्री बराबर 90 माइनस 50 तो लिख लिया, लेकिन अब फलन कौन सा है जिसको बदलना है, यहाँ पर तो दोनों साइन के फलन है, तो यहाँ आप साइन लिखोगे, अगर मान लो यहाँ पर 10 होता है यहाँ कोट होता तो आप
40 डिग्री को बदलने लेकिन फलन कौन सा कोण का, तो आप दोनों साइड में क्या लेकर चलते हैं कोण, टेन होता तो दोनों साइड में क्या लिखते हैं टेन, कोस होता तो दोनों साइड में क्या लिखते हैं कोस, यानी जिसको बदलना है उसी का यहाँ फलन काम में लेना है, ये कौन सा है। तो यहाँ 40 डिग्री को 90 माइनस 50 लिखा, अब दोनों साइड में या दोनों पक्षों में अपने को क्या लगाना है, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेना है आपको साइन, यहाँ आप ऐसा यानी पूरा लिख ले क्योंकि साइन अपने शॉर्ट रूप है साइन फलन का, जैसे कोस का कोसाइन का शॉर्ट रूप होता है कोस, वैसे ही साइन का शॉर्ट रूप होता है साइन, यानी इतना ही लिखते अपने जब यहाँ पर अपने त्रिकोणमिति से इसको व्यक्त करना होता है फलन को। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड में जब साइन लगाऊंगा एस आई एन लिखूंगा तब यहाँ लिखूंगा, तो साइन 40 हो गया, ये साइन 90 डिग्री माइनस 50। अब साइन 90 माइनस 50 का मतलब है यहाँ सूत्र लग रहा है 40 डिग्री को बदल रहे हो लेकिन साइन को बदल रहे हो, तो ये बन गया साइन थीटा, क्योंकि इसको थीटा कोई ना कोई कोण है तो थीटा मान लो इसको, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे पूरे कोण के उदाहरण क्या होते हैं, साइन थीटा बराबर किस में बदलेगा साइन कोस में, तो साइन थीटा बराबर कोस उधर 90 माइनस थीटा लिखना है, उधर हमेशा 90 माइनस थीटा लिखना है। तो यहाँ पर जो लागू हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का प्रयोग करने पर, इस चीज का आप यहाँ पर क्या करते जा रहे हो प्रयोग करते जा रहे हो प्रयोग करने पर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये बन चुका है या करके साइन 40 डिग्री या साइन 40 डिग्री बराबर 90 माइनस 50 कितना हो गया आपका, साइन 40 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 50 को आप क्या लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 50 डिग्री, कोस 50 डिग्री। दोबारा समझिए, 40 डिग्री को बदला 90 माइनस 50 लिख दिया, दोनों पक्षों में वही लेना जिसको चेंज करना है साइन लगा दिया, अब यहाँ साइन लगा दिया इधर भी साइन लगा दिया, लेकिन यहाँ उदाहरण अलग है कि साइन 90 माइनस थीटा वाली, तो आप देखिए कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं अपने कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा बराबर जब लिखेंगे इसको साइन थीटा मानेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या लिखना पड़ेगा कोस 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया आप कोस 90 माइनस थीटा, तो कहने का मतलब है ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा यानी कोस 50। तो अब इस चीज को आपको क्या करना है प्रयोग में लेना है किसकी जगह साइन 40 की जगह, तो आप लिखोगे अतः साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर यहाँ से साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन 40 का मान कोस 50 है तो स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर 50। यहाँ देखिए अब आप न्यून कोण थीटा इन जगह जगह दोनों जगह सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा टैन उचित होगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान फिर कितना निकला है, तो आप क्या कह सकते हो एक तो यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ तथा दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है, ये दो चीजें यहाँ पर सवाल में काम में आई है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, आप पहले चीजों को क्लियर करते चलिए समझते चलिए ताकि चीजें आपको आसान दिखने लग जाए। पंद्रह उदाहरण है, टेन 49 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री, टेन 49 माइनस कोट 51 डिग्री का मान याद कीजिए। इसका मान याद करने के लिए क्या करना है, फिर से दो फलन है इसका मतलब है इनमें से किसी एक को बदलना है तो एक को किसी को भी बदला जा सकता है, मान लो आपकी इच्छा हो 49 डिग्री बदलने की, तो आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले कि यहाँ 39 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 में से घटा के, कितना घटा के 51 घटा के, 90 में से 51 घटाते हैं तो
कितना डिग्री बचेगा 39। अब आपको 39 यानी कौन सा कलर है, टेन का, तो दोनों साइड में आप क्या लगाओगे, टेन। बाकी हो गए यहाँ दोनों पक्षों में टेन लेंगे। जब दोनों साइड में टेन लेंगे तो क्या बनेगा, टेन 39 डिग्री बराबर टेन 90 डिग्री माइनस 51। दोनों साइड में टेन लगा दिया। अब देखिए आप यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा, ये टेन 90 माइनस थीटा है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका 4 थीटा। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ रूल लागू हो रहा है कि टेन थीटा को आप क्या बदल रहे हो, 4 90 माइनस थीटा। यानी टेन 90 माइनस थीटा को आप क्या बना रहे हो, 4 थीटा में। तो यहाँ आप साइड में लिखोगे कि यहाँ टेन थीटा बराबर किसमें, कोट में चेंज हो गया, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। इस चीज का यहाँ पर यूज हो रहा है, यानी इसको थीटा मान लो तो टेन थीटा बराबर में जो भी लिखोगे वो कोट 90 माइनस थीटा। अब ये टेन 90 माइनस थीटा अगर होगा तो टेन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, फिर कोट थीटा, क्योंकि टेन थीटा कोट 90 माइनस थीटा होता है, तो कोट 90 माइनस थीटा फिर क्या बना, टेन थीटा, और कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब है टेन का पूरक चाहिए, तो टेन का पूरक यहाँ पर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, कोट लिखेंगे। दोबारा समझिए, टेन 39 डिग्री बराबर दोनों साइड में टेन लगाया और टेन 90 माइनस थीटा बन गया। टेन 90 माइनस थीटा को पूरक से बदलना तो टेन का पूरक क्या होता है, कोट, और कोट के आगे थीटा कितना है, 51 डिग्री। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 51 डिग्री, अर्थात टेन 39 डिग्री की वैल्यू है जो है वो किसके मान के बराबर है, कोट 51। यहाँ जो रूल लागू है पूरक कोण की अवधारणा, वो यहाँ टेन थीटा बराबर लगाने से, टेन थीटा बराबर किसके, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा के। अब आप ऊपर जो सवाल है उससे अब मान रखोगे उसमें, तो अतः टेन 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री यहाँ मान रखोगे तो कितना बनेगा, टेन 39 जगह आप कोट 51 रख सकते हो, कोट 51 माइनस कोट 51। ठीक है प्यारे बच्चों, ये और ये सेम है, इसका मतलब ये मान और ये मान भी सेम होगा, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, मान में कट जाएगा, इसका मान एक आया तो इसका भी एक आएगा, इसका एक बटा रूट तीन है तो इसका भी एक बटा रूट, यानी सेम वैल्यू है रखेंगे तो आंसर कितना देंगे, 0। आगे इसमें कोई सर्वसमिका वगैरह यूज हुई नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा का प्रयोग करने पर। एक चीज ध्यान रखिए, ये सिद्ध होने वाले सवाल नहीं है, मान वाले सवाल है, तो यहाँ पर आपको सिद्ध यानी इति सिद्धम ये वगैरह वर्ड यूज नहीं करने हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में क्लास को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। इन सवालों को वापस कीजिए और ऐसे ही सवाल प्रश्नावली में आपके शुरू में है उनको आप करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके प्रश्नावली के सवाल भी होते रहे साथ साथ में। उदाहरण 16 कर रहे हैं, सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 डॉट कोसेक 50 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें आप देखिए आप कितने फलन है, यहां दो फलन यहां दो फलन, फलन टोटल चार हो गए। पहले आप ये चेक कर लीजिए, जब भी यहां पर पूरक की अवधारणा लगा उससे पहले, कि कोई अपने ऐसा फलन तो नहीं है जिसका टेबल से मान रखा जा रहा है। टेबल से मान रखे जाने वाले फलनों में टेबल से ही मान रखना है, कोई चेंज वगैरह नहीं करना है, ये ध्यान रखे। चेंज उसी को करना है जो बेसिक कोण नहीं है, यानी 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा जो भी कोण होगा उसको आपको पूरक से बदलना है। और बदलना कैसे, दो है तो एक को बदलना है, चार को दो को बदलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चार फलन है, इनको बदलना ही पड़ेगा, कोई दो को बदलना पड़ेगा, लेकिन कोई दो कौन से, इसको और इसको बदल दूं तो चलेगा, या इसको और इसको बदल दूं तो चलेगा, वो देखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मान बनना चाहिए, उन्हीं को बदलते जिनका मान बने। तो देखिए, अगर मैं इस सेक को और अगर कोसेक को बदलूंगा तो सेक मेरा किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, तो ये कोसेक 40 और ये साइन 40 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसको मैं बदलूंगा तो ये सेक 40 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी मान सेम मान भी बन रहा है इसका। तो कहने का मतलब है कि मेरे को इधर का एक फलन इधर का एक फलन ऐसे लेकर मैं नहीं बदल सकता, मेरे को बदलना होगा तो या तो इन लोगों को बदलूं या इन लोगों को बदलूं। अब इन दो को बदलूंगा तो यहाँ से तो एक मान बनेगा, लेकिन यहाँ से इनको नहीं बदलूंगा तो यहाँ से मान नहीं बदलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस सवाल में आपको इन दोनों में से एक को बदलना है और इन दोनों में से भी किसी एक को बदलना है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो कैसे तय किया, 50 और 40 जिनका योग क्या बन रहा है 90, तो जिनका योग 90 बन रहा है उनको आप चेंज कर सकते हो। वैसे 50 40 इसका भी तो 90 बन रहा है, लेकिन इनको नहीं चेंज करो। आप हमेशा जब भी दो फलन एक साथ चेंज करने की बात आती है तो उनमें चेंज करने के लिए आप देखो कि अगर वो खुद ही अपने योग 90 बना रहे तो उनमें से ही किसी एक को बदल, ये 90 बना रहे इनमें से किसी एक को बदल दो, चाहे साइन को बदलो चाहे शेप को बदलो, ठीक है बच्चों। यही अगर आप इन दोनों में से भी आप देखो तो 50-40 का योग 90 होता है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदल दो आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ आप स्टार्ट करें तो यहाँ सबसे पहले मैं शेप को बदल रहा हूँ, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे कि यहाँ 50 डिग्री की जो मान है उसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 40 तक। अब मेरे को दोनों साइड में शेप बदल रहा हूँ तो दोनों पक्षों मेरे को क्या लगाना है, दोनों तरफ शेप लेने पर दोनों साइड मेरे को क्या लगाना है, शेप सेफ जब दोनों साइड में लगाऊंगा तो मैं तो सेफ 50 डिग्री बराबर बनेगा मेरे पास सेफ 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सेफ थीटा बराबर, तो सेफ थीटा किसमें चेंज होता है कोसेक में, तो अपने जो अवधारणा लगेगी वो लगेगी कि सेफ थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इसको आप यूज कर रहे हो, सेफ थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बनता है, लेकिन यहाँ पर सेक थीटा बराबर आपने जो लिया है वो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको बदलना है, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसमें बदलता है कोसेक में। आप लेओगे तो इसके हिसाब से, यानी जो लिखोगे वो तो इसके हिसाब से, लेकिन बदलोगे इसी को, ये ध्यान में रखो, 90 के साथ जो भी चल रहा है इसी को बदल के लिखोगे, तो सेक को किसमें बदल दे कोसेक में, तो यहाँ लिख सकते हो आप कोसेक और कितना कितना डिग्री है 40, तो सेक 50 की जो वैल्यू है वो अपने किसी के बराबर है कोसेक 40 डिग्री बराबर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं सेक 50 की जगह कोसेक 40 लिख दूंगा यहाँ पर पहला पॉइंट। इसी प्रकार मैं आगे जो दो फलन है इनमें से किसी एक को बदलूंगा, यानी इनमें से किसी एक को बदलूंगा, आपकी इच्छा आप किसी को भी बदल सकते हो। मान लो मेरी इच्छा हुई मैं कोस 40 को बदलना चाहता हूँ या मैं कोसेक को बदलना चाहता हूँ। ज्यादातर केस में मैंने जैसे बताया था कि जब बदलने की बात आती है तो साइन और कोस को मत बदलो, उसकी बजाय किसी उसी को बदलो जो उनके अलावा, जैसे से कोसेक टेन कोण, तो यहाँ मैं कोसेक को बदलना चाहूंगा, तो कोसेक के आगे कोण है 50, तो 50 को लिखूंगा, 50 के आगे मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 40 रख सके। अब मैं दोनों साइड में जिसको बदल रहा हूँ वो है अपना कोसेक वाला मान, तो मैं दोनों साइड में क्या ले रहा हूँ, दोनों तरफ कोसेक कोसेक लेने, जब मैं दोनों साइड में कोसेक यूज करूंगा तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, कोसेक 50 डिग्री बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे कि कोसेक यहाँ पर है तो यूज क्या करना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर किसमें होता है सेक 90 माइनस थीटा, ये याद कर लीजिए, छह त्रिकोण पूरे कोणों की जो अवधारणा वो कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, डिग्री वगैरह यहाँ यूज करना है, यहाँ पर भी डिग्री लग रहा है, तो यहाँ कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, लेकिन इसको जो बदलेंगे तो ये कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान बदलना है, कि इसका मान बदल के लिखना लिखना इसको है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा फिर कोसेक पूरा क्या होगा सेक होगा, सेक कितना डिग्री 40 डिग्री, तो आप इस चीज को लिखोगे बदल के तो लिखोगे सेक 40 डिग्री, तो ये किसका मान है कोसेक 50 डिग्री, यानी कोसेक 50 को आप दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हो सेक 40 के मान के बराबर। इसके अलावा आगे का जो है वो यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ देख के आगे अब मेरे को क्या करना है, इसमें मान रखना है, दरअसल करना कुछ नहीं है, मेरे को मान रखना है, तो मैं यहाँ पर मान रखता हूं, अतः सेक 50 डॉट साइन 40 प्लस कोस 40 डॉट कोसेक 50 डिग्री, इसमें मान रख दो, मान रखने पर जब मान रखेंगे अपने मान यहाँ बॉक्स में जो दे रखे मैंने उन्हीं से रख रहा हूँ मैं, तो सेक 50 की जगह कोसेक 40, तो सेक 50 की जगह मैं रख रहा हूँ कोसेक 40, आगे है साइन 40, फिर यहाँ पर प्लस कोस 40, कोसेक को मैं बदल रहा हूँ यहाँ से मान से, तो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ सेक 40, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कोसेक 40 को मैं लिख सकता हूँ कोसेक का प्रतिलोम 1/sin होता है, ये ध्यान रखें, कोसेक का यहाँ प्रतिलोम लगा रहा हूँ मैं, लगा सकता हूँ 1/sin, कोसेक को वापस ना बदला कि सेक 50 बदल दे फिर वापस वही सवाल ही बन जाएगा, ऐसे ही कोस 40 मैं बदल रहा हूँ सेक को, सेक का प्रतिलोम होता है 1/cos, तो 1/cos थीटा, थीटा 40 ही रहेगा,
अब साइन 40 साइन 40 कट गया, कोस 40 कोस 40 कट गया, ऊपर नीचे सेम मान इसलिए कट गया। तो यहाँ कटने के बाद में जो वैल्यू बची वो एक आई, यहाँ कटने के बाद जो वैल्यू बची एक आई, एक और एक को जोड़ना ही है आपको, यहाँ जोड़ कर देना। अगर माइनस का तीन होगा तो उत्तर क्या रहेगा, जीरो। तो एक प्लस एक कितना हो गया आपका दो। अगली चीज यहाँ पर जो काम आई है वो है आपके कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा और सेक थीटा बराबर, इन चीज को आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपके क्लियर हो रहे का प्रयोग करने का है। आप जितना खुद से लिखोगे उतना ही आपके फायदेमंद रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका मान कितना निकला लास्ट में जाके, दो। आज की इस क्लास को यही विराम देता हूँ मैं, धन्यवाद।